मैं एमडी आपके चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। वन वन एंजल पे आपका बहुत बहुत नमन है दोस्तों, जिन्होंने मुझे लाइक किया है, सब्सक्राइब किया है, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। और जो लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, उनके लिए बहुत बहुत बिग बिग थैंक यू। इसी तरह आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। मैं आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, निरोग होंगे। आज की रीडिंग है दोस्तों कि आपके भाग्य में क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे दो फाइल रखे हुए हैं, यहाँ पे लिखा है प्लानफुलनेस और साइलेंस, दो कार्ड रखे हुए हैं, एंड फर्स्ट एंड सेकेंड। आप गिनती के हिसाब से भी आप चुन सकते हैं, आप चुन लीजिए, फिर हम रीडिंग करेंगे कि आपके भाग्य में क्या लिखा हुआ है। जिन्होंने पहला फाइल चुना था, देखते हैं आप में क्या निकल के आ रहा है। गाइड मी एनवर्स एट ऑफ रॉड्स द फूल पेज ऑफ कप्स टेन ऑफ रॉड्स क्वीन ऑफ सोर्स। देखते हैं कि और क्या कार्ड निकल के आते हैं आपके लिए। आपका भाग्य यहाँ पे प्लेफुलनेस का और द फूल दोनों कार्ड एक ही चीज बताते हैं कि आप बहुत बहुत ज्यादा हंसमुख प्रवृत्ति के पर्सन हैं, आप बहुत ही खुश मिजाज हैं। आप किसी भी परिस्थिति में रहें लेकिन आप खुश रहने की कोशिश करते हैं, अच्छे से रहने की कोशिश करते हैं, और आपको दुख बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं कर सकता है। और आप जो है विषम परिस्थितियों में भी, खराब परिस्थितियों में भी आप बहुत बहुत ज़्यादा स्टेबल रहते हैं, बहुत ही स्थिर रहते हैं। आप में चंचलता उतनी नहीं है, बस आप में ये है कि आप बहुत ही खुश दिल और बहुत ही प्रसन्नचित इंसान है, यहाँ पर ये बताया जा रहा है आपको। और आपके यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कुछ ऐसा चीज है जो आपके भाग्य को बढ़ने से रोक रहा है, या आप बहुत ही ज़्यादा अपने आप भार महसूस कर रहे हैं, बर्डन महसूस कर रहे हैं यहाँ पर। और आपके आप चाह रहे हैं कि मेरा काम हो यहाँ पर, लेकिन आपका जो काम है फर्स्ट ऑप्शन वो पूरा नहीं हो पा रहा है, उस काम में बहुत डिले हो रहा है, परेशानियाँ आ रही हैं। आप बोलते ना, हो सकता है आपके ऊपर कैरियर का कुछ इशू हो सकता है कि आपके फैमिली का इशू हो सकता है कि आप एजुकेशन के लिए कोई लोन लेके रखे हो सकता है आपकी लव लाइफ को लेकर आप बहुत ही बर्डन ढो रहे हैं, और ढोते ढोते एकदम थक गए हैं, परेशान हो गए हैं, यानी बहुत ज़्यादा आप परेशानियों में हैं, तकलीफों में हैं, यहाँ पर ये बताया जा रहा है। और साथ ही साथ यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है कि एट ऑफ रॉड्स आपको ये कहना चाहता है कि आप आपको कोई जितना आप हार्डवर्क कर रहे हैं, जितना भी आप मेहनत कर रहे हैं, जितना भी आप कार्य कर रहे हैं, उसमें आप सक्सेस नहीं मिल रहा है आपको, यहाँ पे इस कार्ड से ये पता चल रहा है। और ये भी पता चल रहा है कि आप जो आपका कम्युनिकेशन स्किल है वो, उसमें भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस की कमी है आपको, इस कार्ड से ये पता चल रहा है। और ये भी मालूम पड़ा है आप में थोड़ा सा, आप अगर अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाते हैं, थोड़ा अपने वार्ता कौशल को आप आगे करते हैं, तो आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता है। और यहाँ पे ये भी दिखाया जा रहा है कि हो सकता है कि आपके फैमिली में कोई इशू चल रहा हो, या तो आप पार्टनर के बीच में कम्युनिकेशन गैप हो गया हो, या तो फैमिली में आपके लड़ाई झगड़ा हो रहे हो। यहाँ पे मैंने आपको इस कार्ड से बताया है कि आपके परिवार में, आपके लव लाइफ में बहुत ही प्रॉब्लम चल रहे हैं। कैरियर में हो सकता है कि आप बहुत ही लोन लिए हो और आपका काम बनते बनते रुक जाता हो, यहाँ पे ये बताया जा रहा है। और ये भी बोला जा रहा है कि आप इतने उदास, निराश और झुके नहीं यहाँ पर, क्योंकि ये कार्ड ये बताता है क्वीन ऑफ सोर्स, यानी आपके आने वाले इस समय में आपका भाग्य जो है उदय होने वाला है, भाग्य खुलने वाला है, और आपके भाग्य में वो चीज़ें आप चाहेंगे, वो चीज़ें आप ग्रेप करेंगे जो आपके मन में है, इस कार्ड से ये है। और आपको जो भी आप नई योजनाएं बनाते हैं, जो भी कार्य करते हैं, जो भी आप
सपने देखते हैं उसको पूरा रखने का दम भी आप रखते हैं, लेकिन ये यहाँ पे गाइडेंस दिया जा रहा है कि आप अपने भार में ना झुके, यानी आप अपने बर्डन में ना घिरते चले जाएं, बल्कि उसे उसको दूर करने की कोशिश करेंगे तो आपके जीवन में सफलता और सक्सेस आएगा ही आएगा। क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्स का कार्ड आ गया, तो क्वीन जो होती है वो सबकी जिम्मेदारियों को निभाते हुए हर कार्य में हर चीज़ों में आगे रहती है, सक्सेस रहती है, सफल रहती है। और आपका भाग्य वाकई इन फ्यूचर आने आते आते बहुत ही ज़्यादा आपको हर चीज़ में विक्ट्री मिलने वाली है। यहाँ पे आपके लव लाइफ बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है, आपका लव लाइफ जो है बहुत ही प्यार से भरा रहेगा। और ये थोड़ा सा यहाँ पे आपको ये गाइडेंस दिया जा रहा है कि फर्स्ट ऑप्शन कि आप जो है अपने मन में थोड़ा शांति बनाए रखें, यानी आपका जो मन है बहुत ही चंचल है, बेचैन है, इसको शांत रखने की कोशिश करेंगे तो आपके जीवन में बहुत ही ज़्यादा अबंडेंस आने वाला है, सुख समृद्धि आने वाला है, स्नेह आने वाला है, और जो आपके ये जो भार है वो भी कम होते हुए दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये बताया जा रहा है। और आप इन फ्यूचर आप अपनी जिंदगी से, अपने भाग्य से इतने खुश हो जाएंगे कि ईश्वर ने क्या ऐसा कृपा किया कि मेरा भाग्य इतना अच्छा हो गया, यानी खराब होकर भी अच्छा होता चला गया, यहाँ पर ये बताया जा रहा है। और आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी बढ़ेगा, आपका लव लाइफ है वो भी सुधरेगा, आपके ऊपर जो करियर का भार था, लोन का भार था या परिवार का भार था वो भी दूर होते हुए नजर आ रहा है, और आपकी खुशियों में चार चांद लगेगा, आपका भाग्य जो है बहुत तेजी से खुलने वाला है। यहाँ पे भाग्य खुलते खुलते आपको दोस्तों कम से कम नहीं होगा तो 4 से 5 महीने या 10 वीक्स में आपका जो लाइफ है वो एकदम बदल कर रह जाएगा, और आपका जो भाग्य है बहुत ही चमकने लगेगा, और आप हर एक चीज में धीरे 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 आपको बहुत तेजी से सक्सेस आने लगेगी आपके जीवन में। यहाँ पे दिया गया ओरेकल कार्ड से आया हीलिंग करिए, यानी आपका जो हार्ट चक्रा है वो ब्लॉक है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो लो हो गया है, यहाँ पे कम्युनिकेशन बातें जो होती हैं आपकी बहुत थोड़ी वीक है, तो उसको ठीक करेंगे तो आपका भाग्य खुलने में जरा भी देरी नहीं लगेगी। और थोड़ा सा अपने हार्ट को ओपन करें, एक दूसरे से अपने बात को शेयर करें, एक दूसरे के साथ बातें साझा करेंगे, एक दूसरे के साथ आप अपना बातों को शेयर करेंगे तो आपके अंदर हीलिंग आएगी। वो थोड़ा आप अगर मेडिटेट करते हैं, यहाँ पे 10 ऑफ रॉड का कार्ड आ गया दोस्तों, तो आप हीलिंग कर सकते हैं, आप थोड़ा सा योगा कर सकते हैं, मेडिटेट कर सकते हैं, जिससे कि आपका हार्ट चक्रा जो है वो ओपन हो जाएगा और आप पूरी तरह से हील हो जाएंगे, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और साथ ही साथ लास्ट में आपके जीवन में जुआ ही जुआ रहेगा, खुशियां ही खुशियां रहेंगी। और रिप्लेस का कार्ड ये बताता है आपने जो भी हार्ड मेहनत की है, जो भी हार्ड वर्क किया है, जो भी आप कर्म किए हैं, जो भी अच्छे कर्म किए हैं, जो भी आपने मेहनत किया है, जो भी आपके ऊपर बर्डन था वो सब दूर हो जाएगा, और आपके मेहनत का फल बहुत ही मीठा मिलेगा, और बहुत ही ज़्यादा आपको अपने जीवन में बेनिफिट मिलता चला जाएगा, और आपका भाग्य जो है वो चमकता हुआ और आगे बढ़ जाएगा, यहाँ पर ये दिया जा रहा है। अगर ये आपको अच्छा लगता है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, थैंक यू। हाय एवरीवन, जिन्होंने सेकंड फाइल चुना था साइलेंस का, देखते हैं आप में क्या निकल कर आता है। नाइन ऑफ सोर्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, द क्वीन, टेन ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्स। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपके भाग्य में जो है फिलहाल इस समय जो आपको बहुत बहुत ज़्यादा आप कठिनाइयों से घिरे हैं, बहुत तकलीफ़ों से घिरे हुए हैं, आपको करियर से संबंधित आपको परेशानी है, पैसे से संबंधित आपको परेशानी है, आपको प्यार से संबंधित परेशानी यहाँ पे दिख रही है, क्योंकि आपने जो सोचा था आपको कभी नहीं मिला यहाँ पर,
आप बहुत परेशान हैं, हताश हैं, एकदम तकलीफ में हैं। देखिए अपने आप का सरों का कार्ड निकल के आया दोस्तों, तो ये नाइन ऑफ सोर्स को ही ये प्रतिनिधि करता है, उसको ही बताता है कि आप वाकई बहुत ही अकेलापन महसूस कर रहे हैं, बहुत ही तनहा महसूस कर रहे हैं। आपकी ज़िंदगी में ढेर सारी तकलीफें हैं, ढेर सारी आपकी ज़िंदगी में जो बताया जा रहा है बहुत ही परेशानियां प्रॉब्लम है, वो लव लाइफ को भी लेके हो सकती हैं। आपका भाग्य जो आपका साथ नहीं दे रहा है यहाँ पर, आप बहुत ही मायूस हो गए हैं, दुखी हो गए यहाँ पर। यहाँ पे आपके बैंक बैलेंस में भी कमी आ रही है, आपके ऊपर बहुत बड़ा हो सकता है कि लोन हो गया हो, या तो एजुकेशन लोन हो गया हो, या तो घर परिवार को चलाने के लिए लोन हो गया है। आपको रातों को नींद नहीं आती है, आप बहुत ही देख रहे हैं किस तरह से ये लड़की जो है सर झुका के, हो सकता है किसी किसी के लिए कोई ऐसी बीमारी हो गई हो जो आपकी बीमारी में ही सारा पैसा खर्चा होता चला जा रहा हो, और आप सोच रहे हैं कि भगवान ने मेरे साथ इतना खराब क्यों किया, मेरे साथ इतना दुखी क्यों हमको बनाया, इतना मेरे को दुख क्यों दे रहे हैं, इतनी परेशानियां, इतनी कठिनाइयां हमारे जीवन में क्यों आती चली जा रही है, यहाँ पे ये बताया जा रहा है। और ये भी बोला जा रहा है कि आपके भाग्य में जो फिलहाल प्रेजेंट चल रहा है वो वाकई बहुत ही खराब चल रहा है। इन कार्डों को देख के लग रहा है कि आप बहुत ही तनहा हैं, परेशान हैं, बहुत ही कष्ट में हैं, चाहे वो अपने लव लाइफ को लेकर, चाहे अपने करियर को लेकर, चाहे अपने जॉब को लेकर, या हो सकता है आपको पैसे का कुछ ऐसी आर्थिक परेशानियां हों जिसके कारण आप बहुत बहुत ज़्यादा अपने ऊपर बर्डन ले रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। हो सकता है सोच सोच के आपको बीपी भी हो गया हो, इतना आप परेशान हैं। तो इस कार्डों को देख के लग रहा है कि इतना ज़्यादा आप परेशान मत हो, ये सेकेंड ऑप्शन, क्योंकि आने वाला जो समय है वहाँ आपको अच्छा ही मिलने वाला है। ये जो खराब समय है वो जाने वाला है। दो कार्ड जो ऐसे बता रहे हैं फिलहाल आपका सिचुएशन अच्छा नहीं है, लेकिन जो बाद के कार्ड हैं वो ये बता रहे हैं कि आप साइलेंस होकर सब दुखों को झेल रहे हैं, लेकिन वो ईश्वर देख रहा है दोस्तों। आपके अच्छे कर्मों का फल कहीं बाहर नहीं जाएगा, आपके अच्छे हार्ड वर्क का मेहनत जो रहता है कभी भी ईश्वर जाया नहीं जाने देता है, वो आपको जरूर देगा। और ये कार्डों से भी लगता है कि आपके जीवन में बहुत ही नई नई अपॉर्चुनिटी आने वाली है, पैसे को लेकर, जॉब को लेकर, करियर को लेकर, यानी आपके भाग्य जो है इन फ्यूचर बहुत तेज खुलने वाला है। इसके लिए आप इतना तकलीफ में मत रहें, इतने सौरों में मत रहें, इतना अकेले में मत रहिए, क्योंकि आने वाला जो भविष्य है, आने वाला आपका जो भाग्य है आपके साथ है, ईश्वर आपके साथ है, तो इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है दोस्तों यहाँ पर। और ये भी दिया गया है कि आपको हो सकता है कोई आपको प्राइवेट जॉब मिल जाए, हो सकता है आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, हो सकता है आप टीचिंग जॉब में चले जाएं, हो सकता है कि आप कुछ ऐसे पद पर चले जाएं जो सरकारी हो, यहाँ पर ये बताया जा रहा है। भले वो छोटा ही क्यों ना हो, लेकिन आपको लिखा हुआ है यहाँ पर, और आपका भाग्य जो है बहुत जल्दी खुलने वाला है, और साथ ही साथ आपकी फैमिली के साथ, आप अपने परिवार के साथ बहुत खुश रहने वाले हैं, कहीं बाहर जाने वाले हैं, आपकी ज़िंदगी में नया गाड़ी बंगला, यानी भाग्य में आपके सब कुछ भगवान ने दिया है, वो आपको मिलके रहेगा। लेकिन ये है, भगवान भी परीक्षा लेता है दोस्तों, पहले दुख देता है बाद में सुख देता है, वही हाल आपका है। आपको बहुत ही ज़्यादा दुख दिए हैं, कठिनाइयाँ दिए हैं, लेकिन आने वाले समय में आपके लिए वो बहुत ही कुछ अच्छा सोच के रखे हैं, और वो आपको देने के लिए कोशिश भी कर रहे हैं। यहाँ पे भी बताया जा रहा है कि आपके जो गॉड हैं, ईश्वर हैं, वो आपको बोल रहे हैं थोड़ा सा आप अपने करियर के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने फाइनेंस के प्रति थोड़ा सा आप सजग हो जाइए, सचेत हो जाइए, और थोड़े में अपने कार्य क्षमता को बढ़ाइए, थोड़े अपने ये जो अकेलापन है, सौरव है, जो तकलीफें हैं, कठिनाइयां हैं, उसको छोड़कर आप अपने अंदर अपनी एनर्जी लेवल को आगे करिए, अपने कार्य क्षमता को बढ़ाइए, अपने हार्ड वर्क को बढ़ाएंगे तो आपको जीवन में वो सारे सुख मिल जाएंगे। बोलते ना, कर्म के द्वारा अपने भाग्य को बदला जा सकता है। कृष्णा ने भी कहा है कि कर्म प्रधान होना चाहिए, अगर कर्म आप करते हैं तो आपका भाग्य खराब है तो आपका भाग्य अच्छा होता चला जाएगा, आपके हार्ड वर्क से, आपके मेहनत से, आपके परिश्रम से यहाँ पर। और यही कार्ड भी दर्शा रहा है कि आने वाले कुछ समय में, हो सकता है कि 7 वीक के बाद, हो सकता है 9 वीक के बाद, हो सकता है
10 मंथ के बाद आपका जीवन जो है, आपका भाग्य है, बहुत तेजी से चमकने वाला है। फिलहाल अभी आपको परिस्थितियां आपके अनुकूल नहीं है, तो उस पर ध्यान दीजिए और सौरव रहने की कोशिश मत करिए, एकांत मत रहिए, ज़्यादा सोचिए मत, नहीं तो आपको इलनेस भी आ सकता है, आपका हेल्थ भी खराब हो सकता है और आपको फाइनेंस जो तकलीफें थी वो भी आप इन फ्यूचर आपके भाग्य में सब लिखी हुई हैं। तो आप चिंता और टेंशन करने की क्या ज़रूरत है, उतना टेंशन मत लीजिए, क्योंकि आपके लिए ईश्वर ने बहुत ही अच्छा सोच रखा है आने वाले इन फ्यूचर में, और आपका बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो आप खुश हो जाइए कि आपका आपके जीवन में नया जॉब, सरकारी या प्राइवेट कोई भी जॉब आने वाला है, हैप्पी फैमिली होने वाली है। थोड़ा सा यहाँ पे ईश्वर गाइडेंस कर रहे हैं कि साइलेंस में मत रहिए, एकांत में मत रहिए, सौरों में मत रहिए, थोड़ा सा आप एक्टिव बनिए, दुख में मत रहिए, बल्कि आप अपने अंदर सुख लाने की कोशिश करिए, अपने स्ट्रेंथ को बढ़ाइए, अपने सजगता को बढ़ाएंगे तो आपके जीवन में देख रहे हैं डिस्पेक्टिविटी, यानी आपके जीवन में ढेर सारा यहाँ पे दिया गया है कि आपको आप धन दौलत सुख समृद्धि सब ग्रहण करने वाले हैं, ग्रेप करने वाले हैं, यानी आपके जीवन में वो सारे सुख सारे धन संपदा सारे चीज आपके भाग्य में लिखे हुए हैं और आप उसको ग्रेप करेंगे, उसको आप ग्रहण करेंगे, उसको आप रिस्पेक्ट करेंगे और आपका जीवन जो है बहुत बहुत खुशियों से जॉय से भर जाएगा और आपका भाग्य इन फ्यूचर बहुत बहुत ब्राइट है। दोस्तों आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, दुख के बाद ही सुख आता है यहाँ जान लीजिए, और ईश्वर ने आपके लिए बहुत बहुत प्यारी चीज़ें रखी हैं। आप उसको थोड़ा सा सब्र करिए और थोड़ा सा शांत रहेंगे, साइलेंस रहेंगे तो आपके जीवन में वो सारे सुख आएंगे जो आपने देखे हैं, जो आपने सोचे हैं वो जरूर पूरे होंगे। अगर ये आपको फाइल रेजोनेट करता है तो कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, एक सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।